की दिल्ली 3 दिन के लिए बंद रहती है, 7, 8, 9, 10 4 दिन तक के लिए बंद रहती है, आप ये समझ लीजिए। दिल्ली में तो 7 तारीख से सब कुछ बंद कर दिया था, उसके बाद भी किंग खान शाहरुख खान जो है वो धमाल मचा देते हैं थिएटर पे, फिल्म में कुछ तो होगा ना भैया, तभी तो थिएटर पे बवाल मचा हुआ है। और ये देख लीजिए, मैं सोच रहा था कि रिपीट देख लूंगा एक बार जाकर, लेकिन 9 बजे की टिकट मुझे अवेलेबल नहीं हुई है, और ये किंग खान का जलवा जो बरकरार है ये याद रखिएगा। अरे बायकॉट करने वाले लोग बायकॉट करते रहेंगे, उनका काम है बायकॉट करने का, कि जो लोग शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई शाहरुख खान जो है वो देशद्रोही है, शाहरुख खान जो है वो एंटी फिल्में बनाता है, लेकिन शाहरुख खान ने दिखाया कि जो देश के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, इस देश की रीढ़ की हड्डी है फार्मर्स, इस देश के जो लोग हैं जवान जो हैं, इस देश का दिल की जो धड़कन है सोल्जर जो हैं, उनके ऊपर पहली बार इस देश में फिल्म बनी है। आज मोहित शर्मा जी ने और मैंने 3-4 बार जो एटली कुमार जो डायरेक्टर है ना उनसे बात की है बम्बई में, और हो सकता है जल्द से जल्द दूसरी पिक्चर ये अपना जवान 2 भी जल्दी से जल्दी शाहरुख जिसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक और जवान 2 किसान मजदूर और कमेरा वर्ग और इसके सारी जनता को अवेयर करने के लिए एक और जवान 2 का रिलीज किया जाएगी। जो लोग शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगाते थे कि भैया शाहरुख खान ऐसा है वैसा है, दिखा दिया शाहरुख खान ने 2 फिल्में दिखा बनाकर कि भाई क्या पावर है शाहरुख खान की। एक टाइम पे लोगों को लगता था कि शाहरुख खान का दी एंड हो गया, भैया वो बॉलीवुड का किंग खान है, जहां से लोगों का दी एंड होता है वहां से उसकी स्टार्टिंग होती है, और वो स्टार्टिंग दिखा दिया शाहरुख खान ने जवान फिल्म बनाकर कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता है। इस देश का दिल अगर मुसलमान है तो उसकी धड़कन हिंदू है, ये याद रखिएगा। हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, हम सब भाई हैं, तो ये लोग हमें नहीं बांट सकते, नहीं तोड़ सकते। इन्होंने जो किया है ना ये तो यार बहुत मुश्किल से कोई कर पाता है, इस जैसे हिसाब से प्रेस की और इस मीडिया पे जैसे अंकुश लगा हुआ है ना, लेकिन जो शाहरुख जी ने हिम्मत करके जो दिखाया है ना इसमें, जो सरकार से सवाल पूछे हैं और लोगों को जो अवेयर किया है, अवेयर का मतलब जगाया है उन्होंने, और ये देश में एक क्रांति आएगी। हम तो कह रहे थे 2 साल से, हम लगातार कह रहे थे कि इनको जो यहाँ पीछे रामलीला मैदान है यहाँ से 500 मीटर दूर वहाँ जाके अपना एक स्टेज लगाया जाए, और जो देश के जितने भी बर्निंग पॉइंट हैं और जितने भी देश की जो मेन समस्याएं हैं ना उनके बारे में जो आने वाला प्रधानमंत्री 2024 का उससे डिस्कशन किया जाए, और उससे पूछा जाए तेरा फ्यूचर प्लान क्या है प्रधानमंत्री का, और लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और जॉब कैसे क्रिएट की जाएंगी, कैसे ये इस देश को कहाँ किस लाइन पर लिया जाएगा, अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए। अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल है, क्या कहेंगे आप खुद किसान? हाँ, किसानों के लिए कहा गया, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ शाहरुख जी का, उन्होंने हमारे किसानों को, क्योंकि मैं भी किसान यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ, तो मुझे भी बहुत गर्व महसूस हुआ है पिक्चर देखने के बाद में कि किसी हीरो ने सबसे पहले किसानों पर बात की है। समझ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों को उठाने में लोगों पे NSA और UAPA लग जाता है, बहुत सारे किसानों पे भी मुकदमे, उन पे बात की है शाहरुख खान ने, हिम्मत को सराएंगे नहीं सराएंगे? नहीं नहीं, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ यार, उनका अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ ये, और देखो मोहित भाई भी मेरे साथ हैं, हम दोनों ने देखी है, मोहित भाई हैं ये, देखो आपको पहचान में नहीं आ रहे हैं, मैं एकदम अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। जवान मूवी देख ली आपने? जवान मूवी देखी, मजा आ गया देखकर, बहुत सॉलिड मूवी है, और जो बात की गई है ना इसमें जवान के ऊपर बात की गई है, और एक चीज उसमें समझाई गई है कि जो वोट डालने जाएं तो नेता को चुने तो कास्टलिज्म के बेस पर न चुने, जात पात के बेस पर न चुने, जात पात के आधार पर न चुने, और सबसे मेन जो इसमें पॉइंट है वो देश के फार्मर्स को लेकर है, देश के किसान को लेकर है, जिस तरीके से इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, देश के किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, देश के जवान की कोई सुनने वाला नहीं है, सरहद पर जवान शहीद होता है, खेत में किसान आत्महत्या करता है, लेकिन उसको लेकर देश में कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, संदेश दिया है, मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को सैल्यूट करूंगा, और शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई शाहरुख खान जो है वो देशद्रोही है, शाहरुख खान जो है वो एंटी फिल्में बनाता है, लेकिन शाहरुख खान ने दिखाया कि जो देश के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, इस देश की रीढ़ की हड्डी है फार्मर्स, इस देश के जो लोग हैं जवान जो है, इस देश का दिल की जो धड़कन है सोल्जर जो है, उनके ऊपर पहली बार इस देश में फिल्म बनी है जवान और किसान के ऊपर। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा, उसके बाद एक फिल्म आई है जिसने संदेश दिया है किसान के लिए, देश के जवान के लिए, और सबसे बड़ा जिस तरीके से आज देश के जो
किसान जो है वो आत्महत्या करें, एक बहुत बड़ा मैसेज इस फिल्म के अंदर है और एक ऐसी फिल्म है जो देश के तमाम लोगों को देखनी चाहिए। जो लोग शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगाते थे कि भैया शाहरुख खान ऐसा है वैसा है, दिखा दिया शाहरुख खान ने दो फिल्में दिखा बनाकर कि भाई क्या पावर है शाहरुख खान की। एक टाइम पे लोगों को लगता था कि शाहरुख खान का दी एंड हो गया, भैया वो बॉलीवुड का किंग खान है, जहां से ना जहां से लोगों का दी एंड होता है वहां से उसकी स्टार्टिंग होती है और वो स्टार्टिंग दिखा दिया शाहरुख खान ने जवान फिल्म बनाकर कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता है। एक आप डायलॉग बताएं जो आपको ज्यादा पसंद आया। देखिए आपको मैं बता दूं, जो फिल्म का जो सबसे मेन डायलॉग जो है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से, हाँ बाप से बात कर, वो सबसे मेन जो डायलॉग है वो जो फिल्म का जवान फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो सुपर डुपर हिट जाने वाली है और इस बार जो शाहरुख खान ने जो शिकार किया है ना वो जनता के दिल का शिकार किया है, इस देश के किसान के दिल का शिकार किया है। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, मैं नोएडा भी गया फिल्म को देखने के लिए मॉल के अंदर, तो मैंने देखा कि धोती बांध के किसान भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो किसान से पूछा गया तो किसान कहता है कि पहली बार तो देश में किसी ने हमारी आवाज उठाई और सबसे बड़ी बात ट्रेलर नहीं दिखाया गया, ट्रेलर नहीं दिखाया फिल्म का, डायरेक्ट फिल्म को लॉन्च किया गया जिस कारण फिल्म के ऊपर बैन भी नहीं लगा, वरना अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता ना कि भैया फिल्म में किसान के ऊपर दिखाया गया है तो पक्का फिल्म को बैन कर दिया जाता। लेकिन ऐसी फिल्में देश में बननी चाहिए। आई विल अप्रिशिएट फॉर शाहरुख खान। ये भी कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ ये फिल्म है, मोदी के खिलाफ, भैया मोदी जी के खिलाफ तो आज पूरा देश है, मोदी जी के खिलाफ तो पूरा देश है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है मोदी के राज में कर रहा है, जवान शहीद हो रहा है तो मोदी के राज में हो रहा है। आप एक बात मुझे बताइए ना भैया, हिंदू मुसलमान करने से इस देश के जनता का पेट नहीं भरेगा, समझ रहे हैं ना आप? जो ये दिखाते हैं कि मुसलमान इस देश के दुश्मन है, नहीं भैया, मुसलमान इस देश से उतना ही प्यार करता है जितना इस देश का हिंदू करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, ये याद रखिए। अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस देश का दिल अगर मुसलमान है तो उसकी धड़कन हिंदू है, ये याद रखिएगा। हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, हम सब भाई हैं, तो ये लोग हमें नहीं बांट सकते, नहीं तोड़ सकते, ये याद रखिए। आज मोहित शर्मा जी ने और मैंने तीन चार बार जो एटली कुमार जो डायरेक्टर है ना उनसे बात की है बम्बई में, और हो सकता है जल्द से जल्द दूसरी पिक्चर ये अपना जवान 2 भी जल्दी से जल्दी शाहरुख जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक और जवान 2 किसान मजदूर और कैमरा वर्ग और इसके सारी जनता को अवेयर करने के लिए, और किसान जवान 2 का रिलीज किया जाएगी, एक और बनेगी उनसे, और हम जाके दोनों जाके बंबई में जल्द से जल्द जा रहे हैं और उनसे मिल के यही रिक्वेस्ट करेंगे शाहरुख जी से भी और उनसे भी, एटली कुमार से भी। देखिए ये फिल्म है ना, ये जो मूवी है, इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ कर रख दिया। ये सोच लीजिए, जब देश की राजधानी दिल्ली 3 दिन के लिए बंद रहती है, 7, 8, 9, 10 4 दिन तक के लिए बंद रहती है, आप ये समझ लीजिए दिल्ली में तो 7 तारीख से सब कुछ बंद कर दिया था, उसके बाद भी किंग खान शाहरुख खान जो है वो धमाल मचा देते हैं थिएटर पे, फिल्म में कुछ तो होगा ना भैया, तभी तो थिएटर पे बवाल मचा हुआ है। और ये देख लीजिए, मैं सोच रहा था कि रिपीट देख लूंगा एक बार जाकर, लेकिन 9 बजे की टिकट मुझे अवेलेबल नहीं हुई है, और ये किंग खान का जलवा जो बरकरार है, ये याद रखिएगा। लेकिन एक सवाल है मोहित जी, आप कह रहे हैं लेकिन आप एक बाप बेटे वाला डायलॉग कह रहे हैं, लेकिन लोग जो है उंगली की ताकत वाली बात भी बाहर आ गई। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कहते हैं, ये जो बाप को जो क्या कहते हैं और जो बेटे वाला डायलॉग है ना, ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान और आर्यन खान पर लागू होता है। जिस तरीके से उनके बेटे आर्यन खान को फंसाने की कोशिश करी, लेकिन शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान जिस तरीके से बेगुनाह साबित हुए पूरे देश ने देखा। आप 1000 कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लें, करोड़ कोशिश कर लें, लेकिन इस देश के अंदर ऐसे लोग थे, हैं और हमेशा रहेंगे जो अपने देश से बेहद प्यार करते, मोहब्बत करते हैं। बायकॉट भी कर रहे हैं इनका, भैया लोगों का काम होता है अच्छी चीजों को बायकॉट करने का। अगर किसान के ऊपर फिल्म बनी है तो कौन है इस देश में जिसको आपत्ति है, बताइए ना। नहीं, ये लोग ऐसे लोग हैं, वीडियो पोस्टर पानी एक मां कहलाती है। अरे कोई भी यार, आई डोंट नो भाई, मैं नहीं जानता उनको, हु इज दिस, कौन है, उन सबका डिस्कशन मत करिए प्लीज, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि आप पोस्टर फाड़िए चाहे कुछ भी फाड़िए, एक फिल्म बताइए ना जो किसान के ऊपर बनी हो। आज किसान के ऊपर फिल्म बनी है तो दर्द हो रहा है आपको, आप किसान की खुशहाली से जलते हैं क्या? तो भैया ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आज किसान के ऊपर फिल्म बनी है उसको अप्रिशिएट करिए, सपोर्ट करिए उसको। उनका एक ऐसा है ना, सुनो, उंगली उंगली का मतलब यह है कि उंगली उसके नेता का भाग नहीं बनाती, उंगली उस जो वोटर है उसका भाग बनाती है, और उसको देख के उंगली को यूज करना चाहिए, और अगर उसने गलत यूज कर दिया और किसी भ्रष्टाचारी बलात्कारी और उस नेता को चुन लिया तो उसी को नोचेगा, उसी को खाएगा। तो ये शाहरुख जी ने जो किया है, एक अवेयरनेस किया, जगाया है देश को, जनता को बताया इस उंगली में बहुत ताकत होती है और ये आपके लिए बहुत बड़ी वो है, और इसी को यूज करके जब वोट देने जाओ इसको एक बार ध्यान में रख के, और जैसे मोदी जी ने बोला था सिलेंडर को पूछ के जाए, उसके हाथ जोड़ के जाए, ऐसे ही आपके मोदी जी का जनता से निवेदन है कि आपके मोदी जी के हाथ जोड़ के उनके पोस्टर को पेट्रोल पंप पे देख के जरूर उसके हाथ जोड़ के जरूर जाए। सवाल मेरा कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलेगा क्या?
जरूर मिलेगा ऑब्वियसली, नहीं जिस हिसाब से बनाया गया ना, हम तो दूसरे की डिमांड और कर रहे हैं, जल्दी से जल्द उनसे जाके मिल रहे हैं, बम्बई में जाके मिलेंगे, हमें टाइम आ जाएगा एक दो दिन में। किसानों की बात फिल्मों में होती नहीं है ना, एक्चुअल में किसानों की बात नहीं है। हाँ इतना यार वो एक मिनट सुनो ना, चीटी से लेकर हाथी तक का सारे जानवर से आदमी इंसान सबका पेट पालता है, अगर उसी को आप भूल जाओगे जिस जो पेट पाल रहा है, देखो एक ऊपर वाला होता है वो तो पैदा कर देता है लेकिन पेट पालने का काम किसान का ही है, और किसान को ऐसे इग्नोर करोगे, दूध हो कहीं कोई भी चीज ले लो आप खाना। दूसरे बहुत सारे हीरो हैं जो आम काट के खाए या चूस के खाए की बात करते हैं लेकिन देश के उन मुद्दों की बात नहीं करते जिसकी शाहरुख खान ने बात करी है। यार वो मैनिपुलेटेड इंटरव्यू है और वो यही बुलवाते हैं और अपने हिसाब से सेटल करते हैं, समझ रहे हैं, उनका कोई जमीन ईमान है नहीं। ऐसे हीरो अब तो बोल नहीं रहे जो 35 रुपए में डीजल दे रहे थे और 40 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, समझ रहे हो, अब कहाँ है वो। उन्होंने तो कह रहे थे मैंने तो अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी, एक आदमी मिला था मेरा ड्राइवर नहीं आ रहा, वो साइकिल से चल के आ रहा है, पता वही हीरो थे ना वो उनमें से, आज क्या नहीं पूछ रहे आप तो 3 गुना है। लेकिन चौधरी साहब एक सवाल है कि जैसे द कश्मीर स्टोरी फाइल आती है फिल्म तो टैक्स फ्री हो जाती है, तो क्या इस फिल्म को आप मांग करते हैं, क्योंकि किसान लोग बहुत देख रहे हैं, तो टैक्स फ्री होना चाहिए। नहीं होना जरूर चाहिए लेकिन कम से कम उन राज्यों में तो ये हो जाएगी, हमें पता है 14-15 राज्यों में तो जरूर होगी टैक्स फ्री हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ये है इनका, यह अभी भी कर रहे हैं ये, इनके पता ना माइंड किस सेट का है, क्या करना चाहते हैं, देश का क्या करवाना चाहते हैं, देश के किसी भी बेरोजगारी पे किसी पे भी कोई फिल्म बनती है कोई बनता सबका बाइकआउट करते हैं, तो उनका क्या फायदा है। कुछ आएगी लोग आएगी जरूर, जागरूक होंगे लोग और ये हमें उम्मीद है और हमें आशा पूरी कि देश उसी लाइन पर चलेगा जो शाहरुख जी ने दिया डायरेक्शन दिया है, उसके हिसाब से जरूर चलेगा, एक बार जरूर सोचेगा वोट देने से पहले। ताकत जो है किस पे भारी पड़ने वाला है? नहीं भारी तो मोदी जी पे ही पड़ेगी क्योंकि मोदी जी ने जो किया है ना, जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही, और ये सारे देखो जवाब नहीं देने क्योंकि सरकार उन्हीं की है 10 साल से और उन्हीं से सवाल है ये सारे और उन्हीं को जवाब देना है। चलिए।